अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम कुकिंग पॉइंट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दाल चावल पलीदे की रेसिपी। ये बोरा कम्युनिटी की बहुत ही फेमस डिश है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर दाल को गला लेंगे। दाल को गलाने के लिए यहाँ पर हमने 3 कप पानी को गर्म कर लिया है। हमने 1.5 कप तुअर की दाल को आधा घंटा पहले भिगो लिया था, ये इस तरह से हो गई है। हम दाल को पैन में डालेंगे। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑयल। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम हाई फ्लेम पर दाल को एक उबाल आने तक पकाएंगे। हमारी दाल में बॉईल आ गया है। हम दाल के ऊपर के झाग को इस तरह से निकाल लेंगे। हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और दाल को 80% तक गलने तक पकाएंगे। हमने दाल को 10 से 12 मिनट के लिए पका लिया है। हमारी दाल 80% तक पक चुकी है। हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे छान लेंगे। हमने दाल को छान लिया है। दाल को हम एक साइड में रखेंगे और दाल के पानी को एक साइड में रखेंगे और दाल के इसी पानी से हम पलीदा बनाएंगे। तो चलिए हम पलीदा बनाते हैं। पलीदा बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक पैन में 1/4 कप के करीब तेल डाला है। हमारा तेल गर्म हो गया है। हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे और इसे तड़कने देंगे। हमारा जीरा तड़क गया है। हमने यहाँ पर 6-7 लहसुन की कलियों को इस तरह चॉप कर लिया था। लहसुन डालेंगे और इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। हमारा लहसुन फ्राई हो गया है। हमने यहाँ पर एक छोटी प्याज को इस तरह स्लाइस में काट लिया है। हम प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई है। हमने 3 हरी मिर्चों को इस तरह से चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें डालेंगे। हमने यहाँ पर थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है। हम कड़ी पत्ता डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमने एक छोटे टमाटर को इस तरह से चॉप कर लिया है। टमाटर डालेंगे और साथ ही में कुछ सूखे मसाले डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। हम सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून बेसन लिया है। हम बेसन डालेंगे और इसे अच्छी से भून लेंगे जब तक बेसन में से हल्की सी खुशबू ना आ जाए। हमने बेसन को अच्छी तरह भून लिया है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हम इसके अंदर दाल का पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम इसके अंदर 2 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम इसके अंदर कोकम डालेंगे। हमने यहाँ पर 4-5 कोकम के पीस लिए है और इसे थोड़ा सा तोड़ लिया है। अगर आपके पास कोकम नहीं है तो आप इसकी जगह इमली भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर सेंगट की फल्ली ली है, इसे ड्रम स्टिक भी कहते हैं। हमने इसे छील के इस तरह से काट लिया है। हम इसे पलीदे में डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारा पलीदा थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। हम इसके अंदर और 1/2 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छी से मिला लेंगे और इसमें 1 उबाल आने देंगे। देखिए हमारे पलीदे में 1 उबाल आ गया है। हम गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक हमारी सिंगट की फल्ली गल ना जाए। हमारे पलीदे को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। हम पलीदे को चेक कर लेते हैं।
देखिए हमारा पलीदा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, इसमें से बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आ रही है। देखिए हमारी ड्रम स्टिक भी अच्छी तरह से गल गई है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक साइड में रख देंगे। चलिए अब हम पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल को तड़का लगा लेते हैं। पैन में हमने 3 टेबल स्पून तेल को गरम कर लिया है। इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और इसे तड़कने देंगे। हमारे मसाले तड़क गए हैं। यहाँ पर हमने 6-7 लहसुन की कलियों को इस तरह चॉप कर लिया था। लहसुन डालेंगे और इसे अच्छी से मिला लेंगे। यहाँ पर हमने एक छोटी प्याज को स्लाइस में इस तरह काट लिया है। हम प्याज डालेंगे और इसे हल्की गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्चों को इस तरह से चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें डालेंगे। हमारी प्याज हल्की गुलाबी हो गई है। हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। हम इसके अंदर दाल डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, क्योंकि पहले भी हमने दाल को उबालते वक्त नमक डाला था। दाल और मसालों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमने दाल और मसालों को अच्छी तरह से मिला लिया है। हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। हमारे 1 से 2 मिनट हो गए हैं। हम गैस को बंद करेंगे और इसे साइड में रखेंगे और इस पर चावल की लेयर लगाएंगे। पुलाव बनाने के लिए हम चावल और दाल की लेयर लगाएंगे। सबसे पहले हम पतीली में चावल डालेंगे। यहाँ पर हमने 400 ग्राम बासमती राइस लिया था और इसे नमक डाल के सादा बॉईल कर लिया है। चावल की इस तरह से एक लेयर लगा लेंगे। अब हम इसके ऊपर दाल की लेयर डालेंगे। यहाँ पर हमने 1 मीडियम साइज की प्याज को फ्राई कर लिया था। अब हम इसके ऊपर फ्राई की हुई प्याज डालेंगे। फ्राई ऑनियन की रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप इस रेसिपी को जरूर देखिए। हम इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसके ऊपर चावल की और एक लेयर डाल देंगे। थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और इसे कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे दम देंगे। हमारे 8 से 10 मिनट हो गए हैं। हमारा पुलाव बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए हमारा जबरदस्त सा दाल चावल पलीदा बनकर तैयार है। ये बहुत ही मजेदार सा बना है। आप हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूले, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।